उत्तराखंड के लोगों ने हल्ला बोल दिया है और उन्होंने मन बना लिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तैयारी आर पार की लड़ाई की है, लड़ाई उन साधु संतों के खिलाफ जो गंगा बचाने के नाम पर बिजली परियोजनाएं बंद करवाने पर अड़े हैं। उत्तराखंड के पेयजल मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी 330 मेगावाट वाले श्रीनगर हाइडल प्रोजेक्ट को जल्द पूरा किए जाने की मांग को लेकर आज से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने जा रहे हैं। पेयजल मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा है कि यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के आशीर्वाद से मैं श्रीनगर हाइडल प्रोजेक्ट को पूरा करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए दिल्ली पहुंच रहा हूं। उत्तराखंड में पौड़ी जिले के श्रीनगर में अलकनंदा नदी पर बनने वाले बांध का जायजा लेने केंद्र सरकार की तरफ से 3 सदस्यीय टीम भेजी गई थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्र सरकार रिपोर्ट पर कार्रवाई करेगी। उधर देश के कई नामी गिरामी साधु संत और द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती गंगा को बचाने के लिए आंदोलन की राह पर है। वहीं श्रीनगर हाइडल प्रोजेक्ट को बनाने वाली जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने बिजली परियोजना की क्षमता को 200 मेगावाट से बढ़ाकर 300 मेगावाट करने के लिए धारी देवी मंदिर को तोड़ने की सलाह दी है। कंपनी ने धारी देवी मंदिर को अलग जगह स्थापित करने की सलाह दी है, जिससे इस मंदिर को बिजली परियोजना की वजह से नुकसान न पहुंचे। हालांकि बीजेपी ने कंपनी की इस सलाह पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा है कि इससे मंदिर की पवित्रता को भारी नुकसान होगा, लेकिन श्रीनगर के लोगों ने परियोजना को देश हित में बताते हुए केंद्र सरकार से काम को न रोके जाने की अपील की है। इसके लिए वो धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उत्तराखंड और केंद्र में भी कांग्रेस की ही सरकार है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है।